राजधानी पटना में खुला बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक, जो अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। माँ ब्लड बैंक सेंटर जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए वरदान साबित होगा। यह ऐसा ब्लड बैंक है जो खासकर जरूरतमंद मरीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब मरीज के परिवारजनों को रक्त के लिए दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं। यह ब्लड बैंक पूरी तरह से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और हीमोफीलिया के मरीजों को समर्पित होगा। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति पटना द्वारा यह ब्लड बैंक बनाया गया है, जिसकी खासियत ये है कि यहाँ हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को फ्री में ब्लड देने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक सवाल रहा प्रोसेसिंग फी का, तो केवल सरकारी रेट पर गरीबों को ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। इस ब्लड बैंक में आपातकालीन स्थिति में 4 से 6 घंटे के अंदर 100 से 200 यूनिट ब्लड उपलब्ध करवाने की क्षमता है। प्लेटलेट्स के साथ प्लाज्मा और PRBC की भी सुविधा माँ ब्लड बैंक सेंटर में होगी। पिछले 10 सालों से हजारों लोगों की जान बचा रहे माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के संस्थापक मुकेश हिसारिया ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को 15 दिन पर ब्लड की जरूरत पड़ती है, जिसकी जरूरत माँ वैष्णो देवी सेवा समिति पूरी तरह से करेगा और उन्हें मुफ्त में रक्त दिया जाएगा। आपको बता दें कि माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार में 300 बिजनेसमैन का समूह साल 2009 से ही गरीबों की सेवा में समर्पित है। यह समर्पण ब्लड बैंक तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसे आगे भी लाया जाएगा। आज इस ब्लड बैंक का निरीक्षण करने पहुंचे बिहार पुलिस के तेज तर्रार IPS प्रांतोष कुमार दास, जिन्होंने इस ब्लड बैंक के निरीक्षण में पाया कि बहुत जल्द यह देश का पहला ऐसा ब्लड बैंक होगा जहां से कभी भी किसी भी मरीज को खून के लिए निराश होकर कहीं लौटना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस ब्लड बैंक में बिहार के कम्युनिटी पुलिस को जोड़कर इस संस्था को और भी लाभान्वित किया है। लगभग 95,000 कम्युनिटी पुलिस के जवान इस संस्था से जुड़े हैं, जो समय समय पर रक्तदान करते रहेंगे, जिससे इस ब्लड बैंक में कभी भी रक्त की कमी नहीं होगी। सर, ब्लड बैंक में आज पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये ब्लड बैंक माँ वैष्णो देवी सेवा समिति माँ ब्लड सेंटर के यहाँ के जो पटना के सम्मानित बिजनेसमैन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा बनाया गया। मैं समझा कि बहुत दिनों से मुझे यहाँ आने की इच्छा थी, अभी इसका उद्घाटन होना है, तो मैं समझा कि एक बिल्डिंग अपने आप में एक बनाना, यही पटना में कितनी महंगी जमीन होगी आप सोचिए, करोड़ों रुपए इकट्ठे में भी नहीं मिलेगा वहां ये जमीन लेके। मैंने सोचा कि एक सिंपल ब्लड बैंक होगा, लेकिन जो यहाँ आके देखा मैंने और जिस लेवल का इन लोगों ने किया है, इनकी सोच को मैं सैल्यूट भी नहीं, इनका पैर छूना मुझे सबका, इन सबों का क्या लेवल किया है। और यहां सभी गरीबों को, जरूरतमंदों को, थैलेसीमिया के पेशेंट्स को फ्री में ब्लड मिलेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे पटना में काम करने का मौका मिला, और यहां मैंने कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस और उड़ान, जिसमें NCC के 97,000 बच्चे पूरे बिहार में जुड़े हुए हैं, डेडिकेटेड है, वो सामाजिक कार्यों में रहते हैं, उन सभी 1,00,000 बच्चे। और आज मुझे बताया गया कि इनको लोगों ने बताया कि इसको देश का 3 सबसे बड़े ब्लड बैंक पे बनाएंगे। मैं आज बिंदवासिनी माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के सामने, आपके सामने, और हमारे उड़ान और कम्युनिटी ट्रैफिक के भी बच्चे यहाँ पर हैं और के कन्वीनर हैं, और हमारे जो NCC के ADG हैं मिस्टर एम इंद्रवालन, उन्होंने तो इसको पूरे देश में लेके, आज कम्युनिटी जो पुलिस बनी है इसका मॉडल पूरे देश में, इवन महाराष्ट्र एंड ऑल ADGP एंड ऑल, दे वॉन्ट टू इम्यूलेट इट। और बिहार एक मॉडल बना है कम्युनिटी पुलिस में, मैं आपको बता रहा हूं, वो देश का गौरव है, पूरा देश इसको इम्यूलेट करेगा जो हम कर रहे हैं। और दूसरा, एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द NCC डायरेक्टर जनरल एंड मेरे जो भी इसके प्रेसिडेंट हैं, इसको देश का एक नंबर सबसे बड़ा ब्लड बैंक इसको बनाने की हमारी तमन्ना है, और हम जो सोचते हैं उसको करते हैं और इसको करेंगे, और इसके लिए हमें 6 महीना काफी होगा। आपका जिस दिन इनॉग्रेशन, मैं इनॉग्रेट करके आज आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं,
कि ये देश का आर्थिक रूप से तो मैं छोटा मोटा आदमी जो हो सकता है वो जरूर करूंगा। आप लोगों ने बताया कि यहाँ के कुछ 150 बिजनेसमैन के द्वारा जी डोनेट किया जाता है, तो मैं उस स्थिति में हूं। मुझे 180 शायद बताया, तो 181वां मैं भी हूं। मैं हर साल उसमें जो कंट्रीब्यूशन सभी देंगे वो मेरी ओर से भी जाएगा, बल्कि ज्यादा भी जाएगा, वो तो अपनी जगह पे है। और 1,00,000 बच्चों का ब्लड आज इसके साथ, इस ब्लड बैंक के साथ जुड़ेगा, एंड विद इन 6 मंथ ऑफ ओपनिंग वी विल मेक इट टू द नंबर 1 इन द कंट्री, जहां किसी के भी। और ये मेरी अपील होगी, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, किसी को रेयर ब्लड ग्रुप है तो हमारे पास 1,00,000 लड़कों की फौज है, तो हमारे पास रेयर ब्लड ग्रुप्स भी होंगे पूरे देश में। कहीं भी किसी गरीब को, जिसको नहीं, बहुत अमीर तो ऊपर कर लेते हैं, जिसको कोई सहारा नहीं, आप इसको सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचार करिए। और अगर कहीं भी उस पर कॉल आता है, उसको बाय प्लेन वो व्यवस्था रखिए, चाहे वो केरल हो कि तिरुवनंतपुरम हो कि तमिलनाडु हो कि यूपी हो कि दिल्ली हो, यहां से ये ब्लड बैंक जाएगा। ये मेरी तमन्ना है। और अगर हम उसका उस इतने बड़े इस प्रोजेक्ट का, मेरा विश्वास है, मैंने आज तक जो सोचा है, जी मुझे ये गर्व है कि मैंने टारगेट बहुत हाई रखता हूं और उसको अचीव कर पाने में मैं सफल रहता हूं। और ये टारगेट हम करेंगे, और उस दिन हमें हार्दिक खुशी होगी कि हम, और हम चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू, एंड मैं प्रेस के सामने आज बोल रहा हूं कि 6 महीने के अंदर ये देश का 1 नंबर प्राइवेट संस्थान होगा, जहां हर नीडी को जो ब्लड की जरूरत है वो उसको वहां पहुंचाया जाएगा। और हम उसके पहुंचाने का जो खर्च होगा, ये भी इसका भी एक फंड बनाएंगे। क्लियर है कि केंद्र